हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युतिक मापक यंत्र। तो देखिए स्टूडेंट, वैद्युतिक मापक यंत्रों को हमने एकदम जीरो से स्टार्ट किया था और अब हम पढ़ते पढ़ते वहाँ पर लगभग 40% वैद्युतिक मापक यंत्र को हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मापक यंत्र क्या होते हैं, मापक यंत्रों के प्रकार पढ़े थे, है ना, उन पर लगने वाले बल आघूर्ण पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था मापक यंत्रों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए या क्या अभिलक्षण होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि PMMC इंस्ट्रूमेंट। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट है कि मूविंग आयरन मतलब कि यहाँ पर जो घूमने वाला भाग होगा वह कहीं ना कहीं लोहे का बना हुआ होगा, यानी कि लोहे की कुछ पत्ती होगी जो यहाँ पर मूव करेगी। जैसे मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था, आपकी एक क्वाइल होती थी जो परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या करती थी, घूमती थी, जिसकी वजह से आपका पॉइंटर स्केल के ऊपर रीडिंग देता था। तो यहाँ पर जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर जो घूमने वाला भाग होगा वो क्या होगा, एक आयरन का पीस होगा या लोहे का टुकड़ा होगा। यहाँ पर अगर हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अट्रैक्शन टाइप और एक होता है आपका रिपल्सन टाइप, ठीक है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। तो यहां पर देखिए, अगर हम इनके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, कि किस सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि अगर हम चुंबक के दो समान ध्रुवों को जैसे एन पोल और एन पोल को यहाँ पर करीब करीब लाते हैं तो इन दोनों पोल के बीच में यहाँ पर कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब ये दोनों पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धकाने का प्रयास करेंगे। या सेम वे में अगर आप एस और एस पोल को करीब करीब लाओगे तो इनके बीच भी क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, है ना। लेकिन अगर आप चुंबक के दो असमान ध्रुवों को करीब करीब लाओगे, जैसे यहाँ पर एस पोल और यहाँ पर ये एन पोल, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। ये आप लोग मैग्नेट में या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, है ना। तो जो आपके आकर्षण प्रकार के यंत्र होंगे या प्रतिकर्षण प्रकार के यंत्र होंगे वो इसी सिद्धांत पर कार्य करेंगे कि जब भी अगर आप मैग्नेटिज्म को सेटअप करोगे, है ना, तो आकर्षण प्रकार के यंत्र होंगे तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हर बार इस प्रकार से सेट होगा कि जो आपका आयरन का पीस है वो क्या होगा, आकर्षित होगा, है ना। लेकिन अगर आप प्रतिकर्षण मापक यंत्रों की बात करेंगे तो वहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार स्थापित करेंगे कि जो लोहे का टुकड़ा होगा वो हर बार चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा, है ना। तो हम यहां पर इनको बनाकर देखते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आकर्षण प्रकार का दिखाया हूँ, है ना, जिसमें यहाँ पर ये मैंने क्वाइल दिखाया हूँ, ठीक है, ये लोहे का टुकड़ा होता है, ठीक है, ये W1 और W2 कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल की गई है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये स्केल और पॉइंटर यहाँ पर मैंने दिखाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर इस आयरन पीस के साथ एक स्पिंडल के जरिए, है ना, पॉइंटर से जुड़ा होता है, ठीक है। अब जब क्या होता है, अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो जब आप क्वाइल में क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो यानी विद्युत धारा देते हो, तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र सेटअप होता है, ओके, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये लोहे का टुकड़ा क्या होता है, आकर्षित होता है इस चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और इसके आकर्षण के कारण इस पॉइंटर के ऊपर यहाँ पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है
और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है, पॉइंटर को स्केल पर जीरो से आगे बढ़ाता है, है ना, और मापी जाने वाली राशि का मान आपको सीधे ही स्केल के ऊपर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वाइल को आप इस प्रकार से थोड़ा सा आप यूँ समझो कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मैंने कोई क्वाइल लगाया हूँ, है ना, यहाँ पर ये एयर गैप होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे रखूँ और ये लीड मान लीजिए आप लोग कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही सप्लाई दी, तो आपको पता है धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र सेटअप होगा। तो ये जो आयरन का पीस है यहाँ पर, है ना, ये एयर गैप में क्या होगा, आकर्षित होगा इस तरीके से, और इसकी वजह से ये पॉइंटर क्या होता है, मूव होता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होता है, अपर और लोअर पार्ट दिखाया जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से काट दूं, है ना, तो आपको कुछ यही शेप देखने को मिलेगा, है ना। तो आपके जो आकर्षण प्रकार के यंत्र होते हैं वो इसी सिद्धांत के ऊपर क्या होते हैं, कार्य करते हैं। अगर हम वहीं पर रिपल्सन इंस्ट्रूमेंट की बात करें या प्रतिकर्षण प्रकार के यंत्रों की बात करें, आपको प्रतिकर्षण प्रकार का मापक यंत्र दिखाया हूँ, है ना, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ये क्वाइल मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ, यहाँ पर एक आयरन पीस को इस प्रकार से लगाया जाता है कि जब भी स्टूडेंट अगर आप इस क्वाइल में सप्लाई दोगे तो उसकी वजह से अगर मान लो यहाँ पर एन पोल सेटअप हुआ, है ना, तो इधर ऑफिशियली क्या होगा, एस पोल सेटअप होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आयरन पीस के अंदर यहाँ पर एन पोल यानी सेम पोल जनरेट होगा और यहाँ पर एस पोल जनरेट होगा। ये हमेशा आप मीटर के अंदर इस प्रकार की सेटिंग रखते हो। तो देखिए, जब भी अगर सेम पोल होंगे तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इस प्रतिकर्षण बल के कारण यहाँ पर ये जो आयरन पीस है यानी कि लोहे का जो टुकड़ा है वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होने के कारण इस पॉइंटर के ऊपर क्या होगा, एक बल लगेगा यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, और आपको इस स्केल के ऊपर डायरेक्ट मापने वाली राशि का मान मिल जाएगा। तो चाहे आपके आकर्षण प्रकार के यंत्र हो या प्रतिकर्षण प्रकार के यंत्र हो, मैंने दोनों को आप लोगों को समझाया हूँ, है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को पढ़कर चले जाओगे, है ना, तो भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर का पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पर जैसे डैम्पिंग की बात करें तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ होती है। अगर ग्रेविटी, अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होता है, है ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर आकर्षण प्रकार के यंत्र हैं तो हमेशा आकर्षण लगेगा, अगर प्रतिकर्षण प्रकार के यंत्र हैं तो हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन यंत्रों में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो आप लोगों को पता है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पर आई स्क्वायर वाई टू डी एल वाई डी थीटा होता है, है ना। ये आपके मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, दोनों प्रकार के यंत्रों पर, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर पता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है करंट के स्क्वायर के, है ना। लेकिन आप लोग जानते हो कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है हर समय, है ना। तो अगर कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो टीसी बराबर आप क्या लिखते हो, के थीटा, है ना। देखिए यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को पिछले लेक्चरों में बहुत ही डिटेल्स में बता चुका हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो वहाँ पर जाकर देख सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल इन सब से डिफ्लेक्टिंग एंगल के साथ रिलेशन निकालोगे तो डिफ्लेक्टिंग एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करेंट के स्क्वायर के, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, आया समझ में, है ना। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट की बात करते तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया हूँ कि जो मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो करंट के
सीधे समानुपाती होता है, लेकिन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो करंट के स्क्वायर के समानुपात होता है। और इन्हीं रिलेशन से आप लोगों को पता चलता है कि आपका जो मीटर है उसका जो पैमाना होगा वो किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं समरूप पैमाना और असमरूप पैमाना, तो आज हम इनको समझते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, है ना, सिर्फ और सिर्फ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर करंट लिया, यहाँ पर मैंने डिफ्लेक्टिंग एंगल थीटा लिया, है ना, तो आप लोगों को पता है कि अगर एक एम्पियर धारा का मापना है तो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग एंगल भी कितना मिलेगा, 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर सीधा संबंध है। लेकिन 2 एम्पियर धारा को मापना है तो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग एंगल कितना मिलेगा, 2 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इस पैमाने में मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का पैमाना बनाना चाहें तो हम लोग कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, है ना। देखिए इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझ लीजिए, है ना, आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये 0 पोजीशन पर पॉइंटर की बात कर रहा हूँ और ये मेरे लिए क्या है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, तो जैसे ही अगर मैंने यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा दिया, है ना, तो आपको डिफ्लेक्टिंग एंगल कितना मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये जो मैंने पहली रीडिंग यहाँ पर लिखा था इसको इस प्रकार लिखा था कि 1 डिग्री एंगल डिफ्लेक्ट होने के कारण मिले, तो आपका पॉइंटर यहाँ पर 1 डिग्री डिफ्लेक्ट होगा और आपको 1 एम्पियर करंट प्रदर्शित करेगा। ठीक है, फिर अगर आपने यहाँ पर मीटर को 2 एम्पियर धारा दिया, है ना, तो अब आपका पॉइंटर में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा वो 2 डिग्री के बराबर लगेगा, है ना। मतलब देखो, अब 1 डिग्री अगर इतना है तो यहाँ से यहाँ तक 2 डिग्री, यानी कि सेम डिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना, तो आपको यहाँ पर ये 2 एम्पियर करंट मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका स्केल होगा उसमें आप ये जो रीडिंग लिख रहे हो उसको आप समरूप लिख सकते हो, यानी कि सेम डिस्टेंस पर लिख सकते हो, और इसी को आप लोग कहते हो समरूप पैमाना या अनुपातिक स्केल, है ना। लेकिन अगर हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो देखिए इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम यहाँ पर करंट लें, यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग एंगल लें फिर से, तो अगर हम 1 एम्पियर करंट की बात करें तो आपको पता है कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, तो डिफ्लेक्टिंग के एंगल 1 डिग्री मिलेगा 1 एम्पियर के कारण। लेकिन अगर हम 2 एम्पियर की बात करें तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 4 डिग्री, यानी डिफ्लेक्टिंग एंगल आपको कितना मिलेगा, 4 डिग्री मिलेगा। तो अगर हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पैमाना डिज़ाइन करते हैं, है ना, तो यहाँ पर जैसे अगर मान लो कि ये मैंने मूविंग आयरन का पैमाना डिज़ाइन किया, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंटर 0 पर है, अगर मैंने इसे यहाँ से 1 एम्पियर की करंट दे दिया, है ना, यहाँ पर 1 एम्पियर की करंट दे दिया, तो ये पैमाना 1 डिग्री डिफ्लेक्ट होगा यहाँ से 0 से 1 तक, और आपको यहाँ पर 1 एम्पियर करंट का मान दे देगा। लेकिन अब जैसे ही मीटर के अंदर 2 एम्पियर करंट जाएगी, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे यहाँ पर तो सेम यानी कि 1-1 डिग्री बढ़ते जा रहा था, यानी ये जो रीडिंग थी ये सेम अनुपात में बढ़ते जा रही थी जो करंट है उसके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट देने की वजह से अब जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है वो 4 डिग्री है, है ना। तो आप फिर से आप 1 डिग्री के बाद यहाँ पर अगर मार्किंग 2 कर देते, ठीक है, तो आपका पॉइंटर तो यहाँ पर 2 एम्पियर के कारण 4 डिग्री डिफ्लेक्ट होगा, तो क्या एक्यूरेट रीडिंग ले पाओगे कि अगर समरूप पैमाना बना दिए तो, नहीं ले पाओगे। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर आप समरूप पैमाना या अनुपातिक पैमाना डिज़ाइन नहीं कर सकते, अब आपको जो 2 एम्पियर लिखना पड़ेगा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा,
ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस बराबर है क्या? नहीं है। तो इसी को कहते हैं कि अनुपातिक पैमाना नहीं है या समरूप पैमाना नहीं होता है। तो इसे आप लिख सकते हो असमरूप पैमाना, ठीक है। मतलब कि असमरूप पैमाना आपको कहाँ मिलता है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में मिलता है, जबकि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में जो स्केल होता है वो आपका अनुपातिक होता है। और आपको ये रिलेशन इसीलिए मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट रहेगी, यहीं से पता चलता है कि जो मीटर है उसके पैमाने को हम किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पर इन दोनों मीटर की कार्यप्रणाली को समझा था, तो आपका जो आयरन का पीस है ना, उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, लेकिन आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने यहाँ पर एसी सप्लाई दी या डीसी सप्लाई दी, है ना। तो इस बेसिस पे आपके जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एसी सप्लाई पर भी कार्य करते हैं, जबकि डीसी सप्लाई पर भी कार्य करते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर हम रीडिंग की बात करें, तो यहाँ पर ये जो यंत्र हैं मूविंग आयरन, वो एसी पर भी कार्य कर रहे हैं, डीसी पर भी। तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो प्रभावी मान या आरएमएस मान। तो आप क्या पढ़ते हो कि एसी का वह गुण जो दिए गए समय में किसी सर्किट में उतनी ही उसमें उत्पन्न करे जितने समय में डीसी उत्पन्न करती है। तो एसी का वह घटक डीसी के घटक के बराबर होता है ना। तो उसी बेसिस पे आपके जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह हमेशा एसी के आरएमएस मान को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये आरएमएस मान का मापन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पैमाना अनुपातिक या समरूप नहीं होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आरएमएस मान को प्रदर्शित करते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। और इसी बेसिस पे इनकी यहाँ पर क्या होता है कि ये ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम यूज होने के कारण ये भार का वायु के साथ में क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण कई बार आपका पॉइंटर एक्यूरेट रीडिंग या सही रीडिंग नहीं देता है। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये कम एक्यूरेट होते हैं। अब एक्यूरेसी या प्रेसिजन या सेंसिटिविटी रिजोल्यूशन क्या होता है, तो ये हम लोग लेक्चर नंबर 3 में समझ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है तो वहाँ पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही डिटेल्स में समझाया, आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इन्हीं पॉइंट को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी एवं डीसी दोनों धारा का मापन करते हैं। दो पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पैमाना अनुपातिक नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आरएमएस या प्रभावी मान को प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट हम लिख लेंगे कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जिसे आप वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली कहते हो, यूज करते हैं। अगला पॉइंट हम लिख लेंगे कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की शुद्धता कम होती है ना।
तो ये मैंने आप लोगों के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा हूँ, और अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं पॉइंट से बनेगा, है ना। आप इतने पॉइंट पढ़ लीजिए, अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से कहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना है तो वो 90% चांस होते हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरिजन की बात करें मूविंग कॉइल या PMMC इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बीच की बात करें, अगर हम कंपैरिजन के, है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं सप्लाई की, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये मैं सारे पॉइंट आप लोगों को मूविंग कॉइल या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। तो अगर हम सप्लाई की बात करेंगे तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ओनली DC पर कार्य करते हैं, जबकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट AC और DC दोनों पर कार्य करते हैं। अगर हम यहाँ पर पैमाने की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, समरूप पैमाना होता है या अनुपातिक होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, असमरूप पैमाना होता है। अगर हम यहाँ पर अवमंदन प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या होती है, आपकी भंवर धारा अवमंदन प्रणाली होती है, है ना, जबकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या होता है, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली उपयोग होती है। अगर हम यहाँ पर चल भाग की बात करें कि कौन सा भाग घूमता है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्वाइल होती है, और यह क्वाइल आपकी मूव करती है, जबकि यहाँ पर आपका एक लोहे का टुकड़ा या आयरन पीस होता है जो मूव करता है, है ना। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शुद्धता की, ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, ये इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है, यानी कि जो मूविंग कॉइल होते हैं वो ज़्यादा शुद्धता के साथ मापन करते हैं, जबकि जो मूविंग आयरन होते हैं उनकी लो एक्यूरेसी होती है, यानी कि इनकी शुद्धता कम होती है, है ना। तो यहाँ पर मैंने, चलो एक और लिख लीजिए आप, हम अगर बात कर रहे हैं कंट्रोल की, तो यहाँ पर मूविंग कॉइल में स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है, जबकि आपका मूविंग आयरन में ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू की बात करें, है ना, तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अभी मैंने बताया कौन सा, RMS वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये आपकी एवरेज वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से ये 6-7 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, है ना, आप लोगों को ध्यान रहे इसलिए मैंने रिकॉल करा दिया हूँ। बाकी हम लोगों ने जब यंत्र पढ़ा था मूविंग कॉइल या मूविंग आयरन अभी पढ़ा, तो वहाँ पर हमने इन्हें बहुत ही डिटेल्स में एनालाइज किया होगा, है ना। आगे थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर।